हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्राफिक्स गुरुजी में। और आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ मैं आपको देने वाला हूँ फ्री यूआई किट, जिसके अंदर है 20 डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रीन्स, यानी लॉगिन स्क्रीन्स आपको मिलेगी। लेकिन जल्दी से इस वीडियो को क्लोज करके आप जस्ट डाउनलोड करने मत भागिए। यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि लॉगिन स्क्रीन्स में क्या क्या चीज़ें डालनी जरूरी होती है, क्यों डाली जाती है, कहाँ और किस सिक्वेंस में डाली जाती है, ये सारी चीज़ें भी आपको जान लेना बहुत जरूरी है। तो क्विकली मैं आपको स्टार्ट कर देता हूँ इस वीडियो के अंदर। और यहाँ पे ये जो फाइल है ये आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अंदर काफ़ी सारी ये देखिए लॉगिन स्क्रीन्स हैं अलग अलग तरह की। एक मैं अभी आपको बना के दिखा देता हूँ, बाकी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके सभी स्क्रीन्स को, जिसमें अलग अलग तरह की प्लेसमेंट्स और डिजाइंस हैं। तो वो सारा कवर करने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। तो चलिए, ये एक जैसे कि मैंने साइज ले लिया है iPhone X का, और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। तो डिज़ाइन तो किसी भी तरह का हो सकता है, और जो आपको जो कलर स्कीम लेनी है वो ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग भी लेनी पड़ती है बहुत बार। जैसे कि लोगो अगर आपका है, यहाँ अगर देखें आप, तो जैसे कि यहाँ पे ये लोगो है अपने इसी ग्राफिक्स गुरुजी चैनल का, तो यहाँ पे ये जो कलर स्कीम है उसी को यूज़ करते हुए, जैसे बटन का और ये लिंक्स वगैरह का हमने कलर्स यूज़ किए हैं। तो चलिए, सबसे पहले जैसे कि ये लोगो है, और ये लोगो और जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे मीन्स कि सबसे पहले हम इस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये जो लोगो आप देख रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार लोगो आपने लगाना ही है। और ये ऐप के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ये किस बारे में, हालांकि जो ऑनबोर्ड स्क्रीन्स होती है वहाँ पे भी क्लियरली दिख जाता है कि ये किस बारे में स्क्रीन है वो सारा कुछ। इसीलिए यहाँ पे चाहो तो आप डायरेक्ट ही इस तरह से लॉगिन और इस कंटेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है लोगो और ब्रांडिंग वगैरह देना। चलिए, यहाँ पे हमने ये दे दिया है, और इसके बाद हम यहाँ पे दोनों तरफ इक्वल गैप्स के साथ में, ये देखिए यहाँ दोनों तरफ इक्वल गैप्स के साथ में हमने ये एक फील्ड बना दी है जो ईमेल आईडी की फील्ड रहेगी। इसको मैं हाइट दे देता हूँ 50 की, जो एक अच्छा स्टैंडर्ड साइज है इसके हाइट का। और इसकी जो बॉर्डर है वो भी कलर्स पे डिपेंड करता है, अगर आपने डार्क देनी है डार्क दे सकते हैं, या फिर एक लाइट सी बॉर्डर दे सकते हैं, या बिल्कुल डार्क देनी है वो आप पे डिपेंड करता है। और इसके अंदर फिर हम लोग टेक्स्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे जो पहली फील्ड होती है वो ईमेल आईडी फिल करने की होती है, ईमेल आईडी, या लिख सकते हैं यहाँ एंटर योर ईमेल आईडी, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ईमेल आईडी की ये फील्ड होगी, और इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ, और रिपीट ग्रिड के थ्रू यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये रिपीट ग्रिड बन जाती है और दो फील्ड्स हमारे सामने आ जाती है। और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ पासवर्ड, ये पासवर्ड वाली फील्ड रहती है। अब आप देखेंगे जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ ये इस दोनों तरफ बढ़ रहा है, अलाइनमेंट में सही नहीं है। तो इसको जो इसकी पहली वाली शेप है ये वाली, इसके अंदर मैं पहले ही कर सकता था या अभी कर सकते हैं हम लोग, इसको लेफ्ट अलाइनमेंट में दे देते हैं यहाँ से, ये देखिए ये अलाइनमेंट दे देते हैं। तो इसकी भी अपने आप अलाइनमेंट लेफ्ट हो गई है, ये देखिए। तो यहाँ पे अब इस तरह से ये वर्क करेगा। तो ईमेल आईडी या फिर यूजर नेम फिल करना होता है, फिर पासवर्ड फिल करना होता है। तो ये जो फील्ड्स होती हैं ये बहुत बार आपने देखी होगी, लाइट कलर में होती है। 50% में दे देता हूँ मैं इसको, और इसके बाद में बटन। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है जो अभी आप देखने वाले हैं, मैं इसकी कॉपी करता हूँ पेस्ट करके इसको नीचे ले आता हूँ, बटन बनाता हूँ। तो बटन जो आप बना रहे हैं, देखिए ऊपर वाली फील्ड्स कॉर्नर्स के साथ में है, यानी कि शार्प कॉर्नर वाला रेक्टेंगल है। तो आपने ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे आप जो बटन है वो राउंड ले लें, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे एक कलर दे दिया है हमने, कलर के बारे में भी आपको बताऊंगा कि लॉगिन वाले बटन के कलर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी ज़रूरी है। और यहाँ पे इसको फुल ओपेसिटी के साथ में वाइट कलर कर देता हूँ, ये इस तरह से इसका बटन बना। लेकिन आपको जैसे कि मैंने बताया, अगर आपकी टेक्स्ट फील्ड्स जो हैं ईमेल आईडी पासवर्ड फिल करने वाली वो शार्प कॉर्नर्स के साथ में है, तो बटन शार्प कॉर्नर्स के साथ बनाइए आप, तो कंसिस्टेंसी बनी रहती है, वो चीज़ करनी होती है। उसके बाद एक फील्ड आती है, एक जो ऑप्शन आता है हमारे पास फीचर होता है वो है फॉरगेट पासवर्ड का, फॉरगॉट पासवर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमें मोस्टली देना ही देना पड़ता है इन केस अगर यूजर पासवर्ड भूल गया है, उसको रिकवर करना है भूल गया है पासवर्ड, तो इस बटन को यूज करते हैं। इसके अलावा एक और भी कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे रिमेंबर मी का भी आ जाता है एक बटन यहाँ पे, मीन्स की लिंक आ जाता है।
और इसका हम आइकन लगाएंगे, इधर भी आइकन लगाएंगे। अब क्विकली हम देखेंगे इसके बाद क्या होता है। इसके बाद एक फील्ड आती है, अगर सोशल मीडिया लॉगिन करवाने हैं तो इसमें आ सकता है और लॉगिन विद, ये लैंग्वेज जो मैं लिख रहा हूँ ये कुछ भी हो सकती है, ये कुछ और तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आप, ये मैं यहाँ पे रखता हूँ। चलिए, तो ये जो बटन था, जैसा मैंने बताया था, इसको हम स्क्वायर में करेंगे, ये सारे स्क्वायर में, तो ये राउंड में अगर आ रहे हैं तो इसको भी अगर आप स्क्वायर में करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने इसी के अकॉर्डिंग ये आपको पूरी यूआई किट बना के दी है, तो ये कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पे इस तरह से। अब मैंने अगर इसके ड्रॉप शेडोज नहीं देने हैं तो मैं ड्रॉप शेडो हटा सकता हूँ। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कुछ चीज़ें, जैसे कि आप इस यूआई किट को किस तरह से यूज़ करेंगे बाद में, तो वो भी चीज़ें आप यहाँ पे सीख रहे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है इम्पोर्टेंट, वो ये है, एक फीचर और आता है इसमें, एक ऑप्शन और देना होता है हमने। यूज़र लॉगिन स्क्रीन पे है तो उसको ईजिली वो जो रजिस्टर स्क्रीन पे जा सके। इन केस वो लॉगिन स्क्रीन पे आ गया लेकिन वो अकाउंट उसने कभी बनाया ही नहीं है, तो वो अकाउंट बनाना चाहता है, तो इस लॉगिन स्क्रीन पे रजिस्टर का या साइन अप का हमने लिंक देना होता है। अगर साइन अप की स्क्रीन पे हम लोग हैं तो उसमें लॉगिन का एक लिंक देना होता है। तो यहाँ पे इस लैंग्वेज को यूज करते हुए ये हमने ऑप्शन दे दिया, डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर नाउ, यानी आपके पास अगर कोई अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर कीजिए, तो वो इस पे टैप करके और वो रजिस्टर कर लेता है। इसके अलावा ऐसा कुछ भी दे दिया जा सकता है, जैसा कि मैं अभी टेम्पलेट से ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इनको, और जैसे कि कुछ इस तरह का, बाय साइनिंग अप यू आर एग्री विद आर टर्म एंड कंडीशंस। तो ये साइन अप करते टाइम मोस्टली यूज होता है, आप साइन इन लॉग इन करते टाइम भी आप कुछ इस तरह का यहाँ से टर्म एंड कंडीशंस को दिखा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अब इस स्क्रीन को देख के, ठीक है, ईमेल आईडी और पासवर्ड लॉग इन लिखा हुआ है, यहाँ पर बटन दिया हुआ है, तो क्लियर है कि इस पे लॉग इन करना है। बट अगर यहाँ पे हम एक टाइटल दे देते हैं तो और भी अच्छा रहेगा, और वो टाइटल होगा लॉगिन का। तो क्लियरली हम बड़ा सा लिख दें यहाँ पे सोबर से तरीके से लॉगिन, तो वो क्लियर रहेगा, तो जो भी स्क्रीन पे आएगा उसको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि ये लॉगिन की स्क्रीन है। तो ये यहाँ पे लिखना, ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा, हमने लिखना चाहिए। तो लॉगिन के अलावा हम जो वर्डिंग इसके साथ में लिख सकते हैं वो ये भी हो सकती है, जैसे कि मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे अभी आपके सामने रख देता हूँ, लॉगिन, प्लीज लॉगिन टू योर अकाउंट, या एंटर योर अकाउंट और स्टार्ट योर वर्क, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं आप लॉग इन करवाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की ये स्क्रीन आपके सामने आ गई है। अब एक चीज़ और रहती है, क्योंकि रिमेंबर मी, फॉरगेट पासवर्ड, रजिस्टर नाउ, टर्म एंड कंडीशंस, ये सारे टैप करने लायक यानी टैपेबल लिंक्स हैं, तो इनके कलर्स भी हमने लिंक वाले ही देने हैं। जैसे लॉग इन के बटन के अंदर हमने ये कलर दिया है, तो ये दोनों भी हम दे सकते हैं इस कलर में, ताकि ये क्लियर रहे कि ये जो ऑरेंज कलर में हमने यहाँ पे ये दिए हैं ये सारे टैप करने लायक लिंक्स हैं, यहाँ पे टैप किया जा सकता है और इससे कुछ एक्शन होगा, तो ये क्लियर हो जाता है। अगर ये सारा ही हम इस तरह से ग्रे में दे देते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, तो इससे बेटर रहेगा कि हम इसको कलर दे दें। बहुत सारे केसेस में आपने इनको पूरे को ही ग्रे कलर में या ब्लैक में देखा होगा, बस नीचे अंडरलाइन होती है तो इसका मतलब क्लियर हो जाता है कि ये लिंक है। तो यहाँ पे होवर इफेक्ट तो होता नहीं है मोबाइल के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे पहले से ही हम लोग इसको ऑरेंज कलर दे देते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, लेकिन ऐसा करने से यूएक्स थोड़ा ईजी रहता है और जो यूजर्स हैं ऐप के आपके, वो ईजिली इसको समझ पाएंगे। चलिए, ये तो हो गया हमारा कलर्स के बारे में, इसके अंदर क्या क्या आइटम्स आते हैं, मतलब कि क्या क्या फीचर्स ऑप्शंस हमने डालने होते हैं, वो आ गया, रिमेंबर मी का आ गया। तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए आइकन्स के लिए मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ आइकन्स फॉर डिज़ाइन नाम की एक प्लगइन यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं अभी लिख देता हूँ चेक, तो यहाँ पे ये चेक वाला सर्किल मुझे मिल गया है, इसको मैंने यहाँ रखना है, देखिए इस तरह से, ये अब ये चेक मार्क्ड है। अगर ये ऑन है तो अब इसको ग्रीन कलर दे देते हैं, मैं गूगल वाले लोगों में से ले लेता हूँ, ये वाला ग्रीन कलर दे दिया, रिमेंबर मी का उसने
ऑन किया हुआ है। चलिए अब कुछ और आइकन्स भी लगाए जा सकते हैं, जैसे कि ईमेल आईडी से पहले ईमेल का आइकन, तो हम यहाँ पे जो हमने लिए हुए हैं वही वाले रख सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं बाद में रखे हुए हैं, और हम पहले भी रख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो मुझे अपना डिज़ाइन दिखाते हैं, और वहाँ पे लॉगिन स्क्रीन देखते ही वहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का भी लिंक देना होता है, लॉगिन वाली स्क्रीन पे रजिस्टर नाउ का लिंक या रजिस्ट्रेशन वाली जो स्क्रीन होती है उसमें लॉगिन ऑप्शन होता है वो देना चाहिए, कौन सी फील्ड कब आती है इन चीज़ों का नहीं पता होता। और दूसरी बात, अलाइनमेंट का इशू सबसे ज़्यादा आता है। तो यहाँ आप देखेंगे पूरा अलाइनमेंट में है, बटन भी इन फील्ड्स के जितना ही विड्थ में है, ये भी इसके बिल्कुल सीध में आ रहा है, ये भी बिल्कुल इसके सीध में आ रहा है, ये देखिए अलाइनमेंट में है बिल्कुल सब चीज़ें, ये बिल्कुल सेंटर में है। कुछ लोग होते हैं जो इस तरह से करके दे देते हैं, ये अब इनके सेंटर में नहीं है, तो ये बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए चीज़ें। ये वाले जो तीनों बटन हैं ये भी इस तरह से सेंटर में होने चाहिए, या आप लेफ्ट लाइन में बना रहे हैं डिज़ाइन तो लेफ्ट लाइन में सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे इनको अगर सेंट्रलाइज किया जा सकता है, अगर करना चाहें हम इस तरह से, तो ये वे रहता है एक अच्छा डिज़ाइन बनाने का। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है लॉगिन स्क्रीन में, जस्ट अगर आपको ये चीज़ें ध्यान रहे कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हमने डालने चाहिए ही चाहिए हमेशा। अब बात आ जाती है कि कुछ केसेस के अंदर लॉगिन स्क्रीन के अंदर कुछ और फील्ड्स भी आ जाती हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप जो लॉगिन जो भी ऐप बना रहे हैं वो किस टॉपिक से है, और लॉगिन करते वक्त अगर स्पेशल रिक्वायरमेंट है किसी और फील्ड की तो वो फील्ड्स भी डाली जाती है। अदरवाइज मोस्टली तो लॉगिन स्क्रीन में सिर्फ ईमेल आईडी या फिर यूजर नेम मांगा जाता है और पासवर्ड मांग लिया जाता है, बाकी रिमेंबर मी, फॉरगेट पासवर्ड, और अकाउंट नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कर लो, टर्म एंड कंडीशंस, ये लिंक्स वगैरह होते हैं। तो इसको इजी और सिंपल बनाना होता है। इसके अंदर हम बहुत सारे ग्राफिक्स नहीं डालने चाहिए, हमने इसके बैकग्राउंड में कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी कि ये फील्ड्स ही क्लियरली नहीं दिख रही हैं, या फिर लॉगिन की स्क्रीन के अंदर हमने कुछ भी ऐसे ग्राफिक्स नहीं डालने होते हैं जो सेम लुक एंड फील के होते हैं किसके, लॉगिन बटन के। लॉगिन बटन बिल्कुल क्लियरली साफ साफ दिखना चाहिए। मेन फील्ड्स जो हमारी होती है कि यूजर नेम, पासवर्ड और लॉगिन, ये तीन चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए। कोई भी चीज़ें ऐसी हमने बैकग्राउंड में या आसपास नहीं डालनी जो इनके जैसी ही दिखती है, तो वो डिस्ट्रैक्ट होता है यूज़र, और वो यूनिक नहीं दिखता है बटन जो लॉगिन का बटन होता है। और बटन लॉगिन का कई बार सर्कल में बना देते हैं कई लोग, छोटा बना देते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। प्रॉपरली इजी टैप हो पूरी विड्थ के साथ में आपने ये बटन बनाना होता है, अदरवाइज डिपेंड करता है क्लाइंट की नीड पे और वो किस तरह की स्क्रीन चाहता है। अदरवाइज स्टैंडर्ड जो है लॉगिन स्क्रीन बनाने के वो यही वाले हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ इस वाली स्क्रीन के अंदर मैंने पीछे बैकग्राउंड में इमेज डाली है, ओवरले करके ब्रांडिंग वाला कलर भी डाल दिया है, फिर भी जो लॉगिन का बटन है वो देखिए कितना क्लियरली बहुत साफ दिखाई दे रहा है, फॉरगेट पासवर्ड का भी क्लियरली दिखाई दे रहा है, रजिस्टर नाउ का भी जो लिंक है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया आइकन्स भी दिख रहे हैं, और हमारी फील्ड्स जो हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने की वो भी क्लियरली दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पीछे बैकग्राउंड में इमेज डाल ही नहीं सकते, डालो आप, लेकिन जो मेन फीचर्स हैं वो क्लियरली हाईलाइट होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए, वो छिप नहीं जाने चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा क्रिएटिव में आगे हम थोड़ा सा राउंडनेस में आ जाते हैं, कुछ बबली टाइप की जॉयफुल चीज़ों में आ जाते हैं। तो यहाँ आपने ध्यान देना है, अगर हमने ये राउंड राउंड शेप्स पीछे बैकग्राउंड में बना दी है, ये देखिए ये पूरा राउंड है, इसमें सर्कल्स सर्कल्स भी रखे हैं हमने, अगर हमारी ऐसी नीड थी और कुछ सर्कुलर टाइप की शेप्स हमने यूज़ की है लॉगिन स्क्रीन के अंदर, तो फिर हमने ईमेल आईडी, पासवर्ड और लॉगिन का जो बटन है इन सारी फील्ड्स को भी राउंड शेप में कर देंगे, तो वो बिल्कुल अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ में डिज़ाइन बनेगा और काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे इसे इस तरह से जो प्रॉपर शार्प कॉर्नर्स के साथ में रेक्टेंगल बना दें, तो यहाँ पे क्या होता है बाकी ग्राफिक्स जो आपने यूज़ किए हैं उनके साथ ये मैच नहीं कर रहा है। तो मोस्टली आपने ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, जो मेरे कोर्स जो चल रहा है ऑलरेडी, ऐप डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, दोनों में मैं हर बार बताता हूँ कि आपने ये चीज़ें कंसिस्टेंसी के अंदर ये चीज़ें भी आपने ध्यान रखनी पड़ती हैं, अदर शेप्स और आपके बटन्स और ये सारी चीज़ें सिमिट्री के साथ में होने चाहिए, थीम इनकी बिल्कुल अलग अलग नहीं होनी चाहिए, ऑफ कोर्स कलर तो अलग होना ही चाहिए लॉगिन का। तो
अब आप ये नहीं दे सकते कि यहाँ पे ये हेडिंग, सब हेडिंग को भी आपने इस पिंक कलर में दे दिया हो, या फिर नीचे यहाँ पे इसे भी पूरा पिंक कलर का बना दिया हो, ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमारा जो लॉगिन और लिंक्स का जो बटन्स का कलर है वो कलर हमने और कहीं यूज नहीं करना है। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ आपने देखा कि ये जो पीछे वाली शेप है राउंड नहीं है, ये इसका बैकग्राउंड भी राउंड नहीं है, तो हमने ये जो ईमेल आईडी और पासवर्ड की जो फील्ड्स हैं वो भी हमने राउंड नहीं लिए हैं, बटन भी हमारा शार्प है, और तो और यहाँ पे सोशल मीडिया लॉगिन्स के जो हमने बटन्स दिखाए हैं इनका भी जो बैकग्राउंड है वो भी हमने शार्प लिया है, और ये नीचे वाली जो ये ऑप्शन है ये भी हमने शार्प ले लिया है। तो यहाँ पे ये जो बटन था लॉगिन का, इसका कलर हम येलो कर सकते हैं अगर चाहें तो, फिर इसके फॉरगेट पासवर्ड, रजिस्टर नाउ और इनको भी हमने यही कलर देना पड़ेगा ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि लॉगिन का और पीछे का यहाँ के कलर्स भी सेम हो गए हैं। दोस्तों जब आप इस यूआई किट को यूज़ कर रहे होंगे तो वो हो सकता है कि क्लाइंट ये बोल दे कि मुझे यहाँ पे लिंक्डइन का भी चाहिए, या फिर कुछ और वेबसाइट्स का जिनके थ्रू लॉगिन किया जा सकता है वो भी चाहिए, तो जस्ट आपने यही करना है, इसको थोड़ा इधर खिसकाएंगे और इसकी कॉपी करके और इक्वल गैप के साथ, ये देखिए 17 पिक्सल के गैप के साथ इसको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ, और अब आप यहाँ पे कोई भी लोगो लगाइए, आइकन लगाइए, तो ईजी है ये इस किट को यूज़ करना, काफ़ी प्रॉपर ग्रुप्स के अंदर मैंने ये चीज़ें बना के रखी हुई हैं तो आपको काफ़ी ईजी रहेगा। फिर हमने एक मिनिमल सा डिज़ाइन लिया है, कहने को मिनिमल है लेकिन इसमें जैसे कि फील्ड्स अगर आप देख रहे हैं तो पूरा बॉक्स में नहीं है, तो गूगल की जो मटेरियल डिजाइनिंग की जो किट होती है उसमें भी इस तरह के फील्ड्स यूज़ की जाती है, जस्ट बॉक्स नहीं होता है फील्ड का, बस अंडरलाइन होती है एक तरह से। तो उसके लिए फिर बटन भी जो है वो ज़्यादा अलग से कलर का हमने नहीं लिया है, बटन को भी हाईलाइट फिर भी किया है, इसकी बॉर्डर दे दी है हमने, इसकी स्ट्रोक दे दी है इसको व्हाइट कलर का, ड्रॉप शेडो भी दे दी है तो उभर के आ रहा है तो ये हाईलाइट हो रहा है। उसके अलावा थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से मैंने ये जो सोशल मीडिया आइकन्स है वो नीचे रख दिए हैं, इस तरह से ये शेडो आ रही है तो ये काफ़ी अच्छा लुक एंड फील देगा, बड़ा ही साफ सा ये डिज़ाइन है। इस तरह से आप देखेंगे कि काफ़ी सारे कलरफुल डिजाइन्स भी हैं इस किट के अंदर। उसके अलावा अगर आप जाएं तो बिल्कुल मिनिमल से डिज़ाइन भी हैं जिनके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, वाइट स्क्रीन पे डायरेक्ट हमारे टू द पॉइंट डिजाइंस हैं, और यहाँ पे लॉगिन और साइनअप का यहाँ पे हमने टैब की तरीके से दे दिया है, तो अलग स्क्रीन पे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ टैबिंग से काम चल जाएगा। इसके अलावा यहाँ बड़े से इस तरह के बटन्स दे दिए, यहाँ पे कुछ शेडोज के साथ में फील्ड्स आ रही हैं हमारी, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये काफ़ी एक फन वाला सा बहुत साफ सा ब्रांडिंग को यूज़ करते हुए हमने बनाया है। तो यहाँ पे अगर आपको लोगो कोई मिल रहा है क्लाइंट की तरफ से, तो लोगो में अगर कोई ऐसी शेप है जिसको अकेली उस शेप को निकाल के, जैसे कि यहाँ पे हम मैंने लीव को यूज़ किया है, पत्ती को यूज़ किया है, एक पत्ता जो होता है उसकी शेप मेरे लोगो में है उसको मैंने यूज़ किया है, तो उसको आसपास भी मैंने इस तरह से रेंडमली रख दिया है अलग अलग कलर करके, तो ये भी एक अच्छा फन लुक देता है, ब्रांडिंग वाला लुक देता है। उसके अलावा ये जो आप ग्रेडियंट देख रहे हैं और जो ड्रॉप शेडो है उसमें भी इस बटन वाले कलर की ही शेडो आ रही है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लुक देता है, ये भी काफ़ी ट्रेंड में इन दिनों चल रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत तरह तरह की स्क्रीन्स है, 20 लॉगिन स्क्रीन्स मैंने यहाँ पे बना के ये यूआई किट रेडी की है आप लोगों के लिए। बहुत सारे जो फैंस हैं वो बार बार पूछते हैं कि सर लॉगिन स्क्रीन्स का इंस्पिरेशन दे दो, लॉगिन स्क्रीन की किट दे दो, तो यहाँ वहाँ से किसी और का वर्क जो डाउनलोड कर रहे थे, एक दो लिंक्स हैं भी मैं देता था, लेकिन मुझे लगा कि मेरे फैंस के लिए मैंने अलग से एक यूआई किट बनानी चाहिए, और आई होप कि आप लोग इस यूआई किट को इतना शेयर करोगे, इस वीडियो को भी लाइक करोगे, शेयर भी करोगे, ताकि ये हर जगह हर वेबसाइट्स पे ये वाली यूआई किट्स लोगों को मिलने लगे और काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। तो इस वीडियो पे डिपेंड करेगा ये वीडियो कितनी अच्छे से चलती है, आप लोग कितना प्यार देते हैं इस वीडियो को, कितने लाइक्स शेयर्स वगैरह आते हैं, कितने सब्सक्राइबर्स आते हैं इस वीडियो के थ्रू, ये आप लोगों पे डिपेंड करेगा। अगर मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इस किट और इस वीडियो पे, तो साइनअप की भी इन्हीं डिजाइन्स को यूज़ करके ईच स्क्रीन की साइन अप स्क्रीन भी मैं बना के एक अलग से यूआई किट डालूंगा। यहाँ पे 20 जो डिजाइन्स हैं उन्हीं को यूज करते हुए साइन अप स्क्रीन्स बनाऊंगा, ताकि आप जब प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो आपको सेम ब्रांडिंग, सेम लुक एंड फील, अलाइनमेंट्स, थीम के साथ में आपको साइन अप स्क्रीन भी देखने को मिले। उसके बाद हम वीडियोज में चलेंगे, अगर उसको भी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें ऑनबोर्ड स्क्रीन्स का भी मैं पूरी यूआई किट बनाने वाला हूँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए। तो प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, पास में आ रही बेल के सिंबल पे भी क्लिक करना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका चूके नहीं।
और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस यूआई किट का डाउनलोडेबल लिंक मिल जाएगा। वहां जाके बिहांस का लिंक खुलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उस पोस्ट को आपने लाइक जरूर करना है। थैंक यू। ग्राफिक्स गुरुजी, लर्न, क्रिएट एंड अर्न।